रविवार को बिहार के गया जिले के बेलागंज के सिंदानी में लेट बीबी नूर जहां एजुकेशन ट्रस्ट गया के प्रोजेक्ट साइट ग्राम सिंदानी पंचायत बिलाड़ी बेलागंज में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा पर्यावरण दिवस का एक दिन पूर्व में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गया के मेयर गणेश पासवान ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और साथ ही साथ स्थानीय मुखिया मुन्ना कुमार के द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय संचार ब्यूरो गया के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी बुलंद इकबाल ने महापौर और मुखिया को शाल ओढ़ाकर और पौधा देकर सम्मानित किया। इस मौके पर संस्था के प्रेसिडेंट प्रोफेसर गुलाम समदानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस ट्रस्ट के बारे में अनेकों कार्य बताए, जिन्होंने बताया लगभग हजारों की संख्या में यहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है, निःशुल्क बच्चे को यहाँ पढ़ाया जाता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। इस संस्था को जो भी जरूरत या कोई भी आवश्यकता होगी, मैं अपने ओर से इनको पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग इस छोटे से गांव में जो जागरूकता अभियान चला रहा है वो बहुत सराहनीय ही कार्य है, क्योंकि आज के युग में वन विभाग को दिन पर दिन काटा जा रहा है, जिससे हमारे वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है। अभी गया शहर प्रदूषित शहर में सबसे प्रदूषित शहर में इनका नंबर आया, वो हमारे लिए बहुत दुखी है, क्योंकि हर एक इंसान को अगर एक एक पेड़ अपने नाम पर लगाए तो जो प्रदूषित शहर हो रहा है, जो अनेकों प्रकार की बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो जाएगी। पहले के युग में देखिए हर एक इंसान अपने घर में पेड़ पौधे लगाते थे, लेकिन आज के युग में देखिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत भविष्य में आने के लिए बहुत ही दुखदायक है। और इस प्रोग्राम के द्वारा जिस छोटे से गांव से ये संदेश बहुत शहर तक जाएगी, मैं इसके लिए इन संस्था को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। जय पेड़ लगाए ऐसा दिल में तारों के जैसा, पेड़ लगाए ऐसा, पेड़ लगाए ऐसा दिल में तारों के जैसा, जैसा। बिस्किट की पत्ती हो।